अस्सलाम वालेकुम मेरे गिने चुने व्यूवर्स, आज हम लोग ये खूबसूरत सी डायग्राम बनाने जा रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। अगर तुम आप लोगों को डायग्राम्स बनानी आती हैं तो आप लोगों को लेड पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट्स यूज़ करें। और अगर नहीं आती तो पहले लेड पेंसिल ड्रॉ करना बेहतर रहता है। सबसे पहले उसकी सारी बाउंड्रीज ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद मेजर डिटेल्स की तरफ आते हैं। मैंने सबसे पहले दांत बनाना शुरू किए हैं, जिसके लिए मैंने कर्व लाइन्स इस्तेमाल की हैं। उसके बाद मैंने आंखों वाला एरिया ड्रॉ किया है, जो कि बेसिकली बस एक बड़ा सा सर्कल है। उसके बाद उसी आईबॉल वाले एरिया से लाइंस को एक्सटेंड करते हुए मैंने चीक बोन बनाई है, या फिर बनाने की नाकाम कोशिश की है, मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर से मैंने कर्व लाइंस इस्तेमाल करते हुए कल के बाकी जॉइंट्स को ड्रॉ किया है, जिसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। फाइनली मैंने जॉ बोन वाला पार्ट ड्रॉ किया है और थोड़ी सी डिटेल्स दी हैं। सारी डिटेल्स आपने लाजमी देनी, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना। इसके बाद ब्लैक पॉइंटर से सारी बाउंड्री हाईलाइट कर लेनी है। अंदर वाले पार्ट के लिए ब्लू या ब्लैक मार्कर और बॉल पॉइंट यूज़ करेंगे हम लोग। ब्लैक पॉइंटर से एक एक चीज़ ड्रॉ करने के बाद आपने इसको एक बार इरेज़ कर लेना, ताकि नीचे वाला पार्ट इरेज़ हो जाए और ऊपर वाला देखने में आसानी हो। दांतों के दरमियान में थोड़ा सा स्पेस लाजमी देना है और उसको बाद में फिल कर देना है। लेड पेंसिल से आप लोग चाहे थोड़ा सा रफ ड्रॉ कर लें और बाद में हाईलाइट करते हुए उसको सही से कर लें सेट। वाइट वाला एरिया ब्लैक से हाईलाइट करने के बाद मैं अंदर ब्लू बॉल पॉइंट यूज़ कर रही हूँ, ताकि कलर चेंज हो और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आए। आप लोग ब्लू या ब्लैक मार्कर और पेन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, पॉइंटर और पेन से ड्रॉ करने के बाद अब मैंने इसको अच्छी तरह से इरेज़ किया, ताकि नीचे वाला पार्ट इरेज़ हो जाए और बनाने में आसानी हो। अब इस बड़े कैप को ब्लैक मार्कर के जरिए फिल कर लेंगे, इसमें टाइम कम लगता है। और फाइनली ब्लू बॉल पॉइंट के जरिए थोड़ी सी शेडिंग कर देंगे, कुछ पार्ट्स में डार्क कलर करेंगे और कुछ पार्ट्स में लाइट कलर कर देंगे। बस ऐसे ही रफ सी शेडिंग करने के बाद अगर कोई फीचर रह गया तो उसको ड्रॉ कर लें, और अगर कोई गैप रह गया तो उसको फिल कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस चार बोन के गैप को ब्लैक मार्कर से फिल कर दिया है। ह्यूमन खोपड़ी का नाम लिखने और अच्छे से लेबल करने के बाद लो जी, हमारी डायग्राम तैयार है।